नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर क्रस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओला S1 और ओला S1 एयर के बारे में। दोस्तों ओला S1 एयर का जो मॉडल है ये कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इससे लोगों को जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अगर वो नई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना चाह रहे हैं तो वो ओला S1 खरीदें या ओला S1 एयर खरीदें, क्योंकि ओला S1 एयर का प्राइस ओला S1 के मुकाबले लगभग 15,000 रुपये कम रखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन्हीं सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि अगर आप ओला S1 खरीदते हैं तो आपको ओला S1 एयर के मुकाबले क्या ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए आप 15,000 रुपये अधिक भी पे कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूज़न मिटाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो चैनल पर आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कलर ऑप्शंस की। दोनों ही स्कूटर में, चाहे आप ओला S1 एयर खरीदें चाहे आप ओला का S1 मॉडल खरीदें, दोनों में ही आपको 5 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्कूटर के डिज़ाइन के बारे में। देखिए अगर आप ओला S1 मॉडल देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मैंने मार्क कर दिया है, ये आपको थोड़ा सा कर्व में दिखाई देता है। और अगर आप ओला S1 एयर खरीदते हैं तो ये आपको एकदम से फ्लैट दिखाई देगा। एक मेजर डिफरेंस तो यहाँ हमें ये देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें सीटिंग की, तो सीटिंग में भी देखिए थोड़ा सा फ़र्क इसमें हमें दोनों ही स्कूटर्स में देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये जो पीछे आप देख रहे हैं ग्रैब हैंडल, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क रखा गया है। बाकी दोनों स्कूटर्स की डिज़ाइनिंग वो एक जैसी ही लगती है। अगर आप दोनों को एकदम से देखेंगे तो आपको ऐसा कोई मेज़र अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आपको ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब दोनों ही स्कूटर्स के मोटर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोटर इसमें एक मेजर पार्ट होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो दोस्तों जहां हमें S1 में मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलता है जिसकी पावर है 8.5 किलोवाट की, वहीं हमें S1 एयर में हब मोटर देखने को मिल जाता है जिसकी पावर है 4.5 किलोवाट की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो S1 में हमें 3 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, और हमें S1 एयर में 2.5 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों बैटरी पैक यहाँ हमें थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है S1 एयर में। साथ ही अब बात करते हैं अगर चार्जिंग टाइम की, तो S1 में हमें 5 घंटे में 0 to 100 ये चार्ज हो जाती है, और S1 एयर को चार्ज होने में 4.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि बैटरी थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा सा वो जल्दी चार्ज हो जाती है। दोस्तों रेंज की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों S1 में हमें रेंज मिल जाती है 141 किलोमीटर की, साथ ही हमें S1 एयर में जो रेंज मिलती है वो 101 किलोमीटर की मिलती है। ये दोनों ही रेंज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कंपनी क्लेम रेंज है, बाकी स्कूटर को चलाने के आपके ऊपर है कि वो आप कितनी रेंज उस स्कूटर से ले पाते हैं। दोस्तों टॉप स्पीड की बात करें तो ओला S1 में हमें 95 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है, तो वहीं ओला S1 एयर में हमें 85 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें अगर बूट स्पेस के बारे में, तो ओला S1 में हमें 36 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, वहीं S1 एयर में हमें उससे 2 लीटर छोटा 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों दोनों के वेट को भी कंपेयर कर लेते हैं। ओला S1 में हमें 121 केजी का वेट देखने को मिलता है, तो वहीं ओला S1 एयर में हमें 99 केजी का वेट देखने को मिलता है। ये 22 केजी इससे हमें हल्की मिल जाती है ओला S1 एयर S1 के कंपेयर में। ये काफ़ी लोगों के लिए कन्वीनियंट भी साबित होने वाली है, क्योंकि थोड़ी हल्की है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो थोड़ी सी कम वेट की स्कूटी ही परचेस करें। दोस्तों दोनों ही स्कूटर्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको एकदम सिमिलर देखने को मिल जाती हैं, जैसे इसका व्हील बेस हुआ, सीट हाइट हुई, सीट लेंथ हुई, या ग्राउंड क्लियरेंस हुआ, ये दोनों स्कूटर में ही आपको सेम देखने को मिलते हैं। इनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस देखने को यहाँ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों एक फीचर के बारे में और मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन ये फीचर इन दोनों मॉडल में ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना तो ये ओला S1 में देखने को मिलेगा और ना ही आपको ओला S1 एयर में देखने को मिलेगा। ये फीचर है क्रूज कंट्रोल। ये आपको ओला के केवल टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा, जो कि ओला S1 प्रो के नाम से आता है। खैर वो तो ओला S1 प्रो की बात हो गई। बाकी आप लोगों को दोनों स्कूटर का कंपेरिजन मैंने कर दिया है, दोनों में से आप कौन सा स्कूटर खरीदना चाहेंगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप थोड़े 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद ओला S1 पे जाना चाहेंगे, या फिर आप ये इकोनॉमिकल जो रेंज में ओला ने स्कूटर निकाला है ओला S1 एयर, इसके साथ जाना चाहेंगे। दोस्तों बाकी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।